ढोल नगाड़े और बैंड बाजा के साथ बजट के आज के दिन की हमने शुरुआत की थी, क्योंकि उत्सव तो है ही, देश के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है और बजट हुआ है पेश। और इस बजट ने कह सकते हैं कि आम नागरिक के लिए सोचा है, कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट की थीम पर खास तौर से फोकस किया है। लेकिन बजट से बाजार की क्या उम्मीदें हैं, क्या बजट बाजार की उम्मीदों पर खरा उतरा है? आइए संजीव वसीम जी से जानते हैं। संजीव जी, इस बजट को आप कितनी रेटिंग देंगे? 10 के ऊपर 11, क्योंकि इससे अच्छी चीज आप हो ही नहीं सकती। एट अ टाइम जब आप देख रहे हैं ग्लोबल माहौल, इन्फ्लेशन, बॉन्ड यील्ड, आई थिंक सरकार ने तो बहुत ही बढ़िया बजट दिया है। कैपेक्स के लिए, एक्सपेंशन के लिए पैसा बढ़ाया है, आम आदमी के लिए किया है, ये सब मिडिल क्लास के लिए है, और इससे बढ़िया बजट हो ही नहीं सकता था गिवन द सर्कमस्टांस। बाजार आप ऊपर नीचे देख रहे हैं, लेकिन कोई दो राय नहीं जो हमने जनवरी के महीने में अंडर परफॉर्म किया है, फरवरी में आउट परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट वीक से मेरे को लगता है 18,400-18,500 और बियॉन्ड मार्केट जाएगा, और ये तो होना ही है। बजट के आसपास बाजार में थोड़ी सी उथल पुथल, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। संजीव जी, फिर ये बताइए कि इंडेक्स पर किस तरह की नजर रखते हैं आप, क्या लगता है निफ्टी, बैंक निफ्टी की चाल कैसी रहेगी? तो बैंक निफ्टी विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि लार्ज कैप बैंक्स को और पीएसयूज को बहुत फायदा है, और मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपेक्स स्टॉक्स विल बी, तो 18,400-18,500 मुझे दिखता है अगले हफ्ते तक। अच्छा। और मैं आपको कहता हूँ 7 फरवरी के बाद शेयर बाजार ग्लोबली और लोकली बहुत अच्छा करेंगे। इस दौरान बैंक निफ्टी में लीड, लेकिन निफ्टी में आपको उतार चढ़ाव दिखेगा, बिकॉज दे आर सर्टन सेक्टर्स विच आर हैवी वेट, जैसे इंश्योरेंस एंड और, जिन पे थोड़ा सा न्यूज फ्लो इज यू नो स्लाइटली ऑन द नेगेटिव साइड। अब उसकी पूरी निरीक्षण परीक्षण तो बाद में पता लगेगा, बट मैं वेरी पॉजिटिव हूँ ऑन द इंडेक्स। आई थिंक इंडेक्स इज गिविंग यू द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्टिसिपेटिंग, और इसमें बच चुकी है, आप सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी लीजिए, आप पैसा कमाएंगे। ये बात तो तय है, बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी और निफ्टी धीरे धीरे कमान संभाल सकता है। लेकिन जहां आप स्टॉक स्पेसिफिक भी अपना नजरिया रखते हैं, तो हमें कुछ स्टॉक्स भी बताते जाइए, कौन से थीम्स, क्योंकि रोड इंफ्रा सीमेंट पर लगातार आपका फोकस रहा, और बाजार की अगर बात करें बजट के साथ साथ ग्रामीण भारत के विकास पर भी काफी हद तक फोकस था, स्टॉक्स क्या है आपके रेडार? तो देखिए, अल्ट्राटेक मेरा टॉप पिक है, मैंने सुबह भी कहा था अल्ट्राटेक इज अ नो ब्रेनर, 138 मिलियन टन की कैपेसिटी है, और साथ में प्राइस हाइक्स आर नाउ राउंड द कॉर्नर, साथ में स्टेट बैंक जो लार्जेस्ट बैंक है, तो ये दो लार्ज कैप हो गए। मिड कैप में मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा और IDFC फर्स्ट आर स्टील, बैंक ऑफ बड़ौदा के 3 तारीख को नंबर है, इतने बढ़िया नंबर आएंगे जो बेस्ट एवर है, और IDFC फर्स्ट ने आपको दिखा दिया है कि रिटेल निम्स हैव बीन द हाईएस्ट। इसके अलावा मैं एक और शेयर कहना चाहता हूँ, कॉनकॉर। देखिए, बजट हैज बीन वेरी वेरी एज फार एज यू नो रेलवे के लिए कुछ इतना उन्होंने नहीं किया, लेकिन टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कॉनकॉर की डिसइन्वेस्टमेंट इज राउंड द कॉर्नर, और वैल्यूएशन पे बहुत ज्यादा कंफर्म। साथ में आप जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी देंगे, रेक्स हैव टू बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ग्रोथ एज अ ग्रोथ इंजन, तो मुझे लगता है कॉनकॉर इज अ स्टील एट दिस प्राइस। एंड लास्टली मानसी जी, SW सोलर, आपने ग्रीन एनर्जी की बात कर दी, सोलर पैनल की बात कर दी, सो दिस स्टॉक कैन मल्टीप्लाई एज 3 times फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट 1.5 ईयर। तो अगर आपको डबल करने पैसे, SW सोलर जरूर लीजिए। संजीव जी की तजुर्बेकार नजरों से ये बन गया आपका पोर्टफोलियो, और इन स्टॉक्स पर खास तौर से नजर रखे। थैंक्स संजीव जी अपनी इनडेप्थ एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो बजट के ठीक बाद बाजार पर अनुभवी नजरें लगातार थी, और उसके बाद स्टॉक में, मार्केट में आपको किस तरह से रिएक्ट करना है ये आपके लिए।